सो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ वंदना, इस चैनल की होस्ट और आपकी प्यारी दोस्त। ये हमारे लास्ट ईयर के करवा चौथ पिक्स के मेरे प्यार से बच्चे। सो गाइज आज ये बाप बेटी ही दिखाने वाली है नवरात्रों की शॉपिंग। हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरी नवरात्रों की शॉपिंग। वो काफ़ी लेट आया क्योंकि मैं काफ़ी बीमार चल रही थी नवरात्रों में, मुझे डेट थी तो मैंने नहीं ख़रीदा सारा सामान। मेरे हस्बैंड लाए थे, वो आपको दिखा रहे हैं क्या क्या लेके आया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको आम के पत्ते, रेड वाले पेपर्स चौकी पे बिछाने के लिए, लाल रंग की माता रानी की चुन्नी उन्होंने दिखाई है, ये सब हम लेके आए हैं। तो एक ब्लॉग में बने रहना, एक एक करके सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे कि हमने नवरात्रों में क्या क्या सामान ख़रीदा है। मैं हाथ नहीं लगा सकती थी इसलिए मैंने वीडियो कैमरा पकड़ा हुआ था और उनको बोला कि आप दिखाएं कि क्या क्या सामान आप लेके आए हो नवरात्रों के पूजन के लिए। यह है फूल माला और कुछ जो है फूल जो अलग से होते हैं वो थे, और साथ में एक और नारियल की चुन्नी इसमें थी नारियल में बांधने के लिए, और एक चुन्नी माता रानी को ओढ़ाने के लिए। और बहुत सारा सामान हम नवरात्रों के लिए लेके आए, और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें आप इसमें देखेंगे। कुछ लोगों को पता है कुछ को नहीं। और ये है नारियल जो माता रानी का जो सबसे ज़रूरी सामान होता है नवरात्रों के लिए, मैं नारियल लेके आए थे। और यदि आपको लिस्ट चाहिए पूरे सामान की तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, आप नीचे कमेंट कर देना। और ये है माता रानी के श्रृंगार का सामान, उस लिस्ट में आपको सारा सामान का पता चल जाएगा क्या क्या सामान नवरात्रों के लिए ख़रीदना चाहिए। ये है एक कपूर की शीशी और एक कलावा जिसे मौली भी बोलते हैं कुछ लोग। और इसी तरह आपको एक एक करके सारा सामान देखने को मिलेगा। और मेरे हस्बैंड दिखा रहे हैं, आप थोड़ी देर में मेरी बेटी भी आ जाएगी। ये एक रोली का पैकेट है जिसे सिंदूर बोल सकते हैं माता रानी को टीका लगाने के लिए। और ये देखो मेरी बेटी आ गई है तृप्ति, कह रही है पापा मैं दिखाऊंगी सारा सामान। और ये है पंचमेवे जिसमें ड्राई फ्रूट वगैरह 5 तरह के मेवे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो ये माता रानी को भोग के रूप में हम चढ़ाने के लिए लाए। और ये देखिए ये फिल्टर गंगा जल वाटर है जिसे गंगा जल बोलते हैं। टप्पू बोल रही थी कि गंगा जल नहीं है, पीने का पानी है, मैं पी लेती हूँ। तो मैंने बोला बेटा गंगा जल है, कह रही थी मैं दिखाती हूँ। तो इसके रेडी हाथ कह रहे इधर को दिखा, यहाँ पर कैमरा चला हुआ है। तो उसको इधर ला रहे कि हाथ को बेटा यहाँ करो, यहाँ पर कैमरे में आएगी वीडियो, ऐसे नहीं आएगी। उसे पता नहीं था, एक्चुअली दो के कैमरे चले हुए थे, किसके डैडी के फ़ोन का एक मेरे फ़ोन का। तो तृप्ति दिखा दिया देखो गंगा जल वाटर। और यह है लोबान जो धुनी वगैरह करने के काम में आता है जब हम कपूर सामग्री वगैरह जलाते हैं। देखो एक बार फिर से इसके डैडी इसका हाथ पकड़ के कह रहे कि इधर दिखा यहाँ कैमरा चल रहा है। ये दिखाई थी 5 सुपारी, और जो 5 सुपारी और ये लौंग का पैकेट है, बार बार उसे ठीक करना पड़ रहा, उसे पता ही नहीं किधर कौन से कैमरे में दिखाए। और ये है मिश्री का पैकेट भोग के प्रसाद। और ये है जो का पैकेट, अब तप्पू दिखाएगी। देखो जो बोते हैं ना माता रानी के नारियल के नीचे, वो जो का पैकेट है। ये इलायची का पैकेट है। ये सारी चीज़ें नवरात्रों में पूजन सामग्री के रूप में खरीदी जाती है और बहुत ज़रूरी होती है। ये है इत्र की शीशी, सेंट की शीशी, इसे रुई में थोड़ा कुछ बूंदे डाल के माता रानी के चरणों में अर्पित किया जाता है। ये देखो टप्पू दिखा रही है, टप्पू एक्चुअली दूसरे कैमरे में दिखा रही थी, एक कैमरा ट्राईपोड पे था एक मेरे हाथ में था, तो इसी तरीके से दिखा रही थी कि ये सामान है। और ये सारी चीज़ें हम लेके आए हैं, और कुछ पताशे भी थे और शहद की शीशी थी, वो इनको नहीं दिखाया क्योंकि हम भूल गए थे उसे लाना, हम अगले दिन लेके आए थे। और पान का पत्ता था और कुछ आम के पत्ते जो नारियल के नीचे लगाए जाते हैं। अब ये सारा सामान आप इकट्ठा देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं जो माता रानी को अर्पित की जाती है। और इसके अलावा कुछ साड़ी वगैरह भी माता रानी को चढ़ा सकते हैं, जैसे पहनावे के कपड़े के रूप में, या बिछवे या चांदी का छतर, ये सारी चीज़ें भी आप अपनी क्षमता के अनुसार माता रानी को अर्पण कर सकते हैं। तो ये देखिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है नवरात्रों में माता रानी को अर्पित करने के लिए। पूजन सामग्री विधिपूर्वक पूजन किया जाए तो सारी चीज़ें उसका फल भी बहुत अच्छी तरीके से मिलता है। और ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ, 5 सुपारी, पान का पत्ता, लौंग, इलायची, पंचमेवे, कपूर और रोली, कलावा, मिश्री, माता रानी का नारियल, जो लाल रंग के पेपर्स, फूल माला, कुछ फूल, नारियल, चुन्नी एक उड़ाने के लिए, एक नारियल पर बांधने के लिए, पान के पत्ते लोटे हुए कलश पे स्थापित करते हैं ना नारियल, वहाँ पे लगाने के लिए। तो सारा सामान अब टप्पू एक एक करके पॉलीथीन में रख रही है ताकि किसी के बिना बोझ के हाथ ना लगे, क्योंकि कल सुबह हम इसे जो है नवरात्रों के जब कलश स्थापना होती है ना वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, इसलिए टप्पू इनको सारा पॉलीथीन में पैक करके रख रही है वन बाई वन करके। और बहुत हंस रही है कि देखो आज मम्मा ने मुझे मौका दिया कि मैं सारी चीज़ें डिस्प्ले करूं क्या क्या चीज़ें हम परचेज़ करके लेके आए। एक्चुअली
बड़ी वाली लड़की है ना नियति, वो अपने डैडी के साथ गई थी सारा शॉपिंग करने। देखो टप्पू सर पे रख के जय कर रही है कि माता रानी का नारियल है, आप प्लीज़ लाइक कर देना इसके लिए एक बार। ये फूल माला हो गए, पान के पत्ते की एक डंडी हो गई, और ये चार पेपर हम खरीद के लेके आए थे रेड वाले, दो हमने टेबल पर बिछाए थे जिसपे माता रानी का मंदिर रखा हुआ है, बड़ी टेबल जो होती है जो सोफे के साथ आते हैं, और एक हमने मंदिर के अंदर बिछाया था और एक हमने चौकी पे। और ये देखो हम सारी चीज़ें करने के बाद खाना खाने बैठे, रात के 11 बजे है। इसके डैडी चाप लेके आए थे और मैंने कुछ पूरी बना रखी थी, और यहाँ देखो पेस्ट्री की पार्टी हो रही है नवरात्रों से एक दिन पहले। डैडी इसको चेरी निकाल के खिला रहे थे। नियति ये मेरी बड़ी बेटी, ये गई थी शॉपिंग के लिए पापा के साथ, मैं बस दूर खड़े होकर बता रही थी ये सामान ले लो, सेंट की चीज़ें, नारियल पंचमी की सिंगार वगैरह, क्योंकि इन्हें याद नहीं रहता कौन कौन सा सामान लेना। और साथ में हम जायफल वगैरह भी लेके आए थे, वो आपको दिखाना भूल गए, पॉलीथीन में बंद था। ये देखिए ये टप्पू आ गई है, और टप्पू भी यहाँ पे अब ज्वाइन करेगी पेस्ट्री की पार्टी, अपने पापा के साथ मस्ती कर रही है कि डैडी मुझे क्यों नहीं बुलाया, आप अकेले अकेले खा रहे हो। देखो नियति का मुँह देखो कैसे बना हुआ है कह रही मैंने तो पहले ही खा लिया, मज़े ले लिए, आपसे पहले ही मैं तो कर चुकी हूँ पेस्ट्री को चेक कि कैसे बनाया, और मैं यहाँ कम्बल पीछे कर रही हूँ कि आगे को आगे खा लो ताकि कपड़े गंदे ना हो जाए, पेस्ट्री की क्रीम ना लग जाए, इसलिए उसको बोल रही थी कि बेटा खा ले फटाफट। और मैं खा रही हूँ सबको खाना खिलाने के बाद लास्ट में खाना, ये सब ऑलरेडी खाना खा चुके हैं और मैं खाना खाने के बाद पेस्ट्री खाऊँगी। एक्चुअली दो तरह की पेस्ट्री लाया है, वीडियो के लास्ट में आपको दिख जाएगी, वाइट वाली और क्रीम बटर स्कॉच वाली। मुझे चॉकलेट फ्लेवर बिल्कुल पसंद नहीं है, ना मैं बच्चों को देती क्योंकि दांत ख़राब हो जाते हैं। बाकी पता नहीं क्यों आजकल की यंग जनरेशन चॉकलेट के हर फ्लेवर चॉकलेट वाली जो चीज़ होती है उनके लिए क्यों इतनी क्रेज़ी है, समझ में ही नहीं आता। और मैं चाप और पूरी जो इन्जॉय कर रही हूँ, और साथ में हम लोग ये टीवी देख रहे हैं, आपको अच्छी सी मूवी चल रही थी, और बस ये देखिए ये पेस्ट्री हम लेके आए थे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक कर देना।